बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है और सुबह 8:30 बजे विश्व संवाद केंद्र में संघ के पदाधिकारियों के साथ नड्डा की बैठक है और इसके बाद जेपी नड्डा लगभग 9:45 पर ग्रामीण मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लगभग 11:00 बजे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष दोपहर 12:30 बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय लखनऊ में अवध एवं कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 4:00 बजे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ भी नड्डा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कल जेपी नड्डा का लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी संकल्प लगातार जुड़े हुए हैं। संकल्प, बीजेपी अध्यक्ष के दौरे का आज दूसरा दिन है लेकिन आज भी वो बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, एक के बाद एक लगातार बैठकें। बिल्कुल, बैठकों का दौर कल से ही शुरू हो गया था और जिस तरीके से जेपी नड्डा के आने के बाद में बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हुई थी, वहीं कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने जो कल मीटिंग करी है और आज जो होने वाली मीटिंग है उसको लेकर के अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं, जो कल बैठक हुई उसमें मंत्रियों को साफ तौर पर निर्देश दिए कि केवल हम की भावना से ही काम करना है, मैं की भावना से कोई भी मंत्री काम नहीं करेगा। अपने भाषण हो, चाहे अपनी स्पीचेस हो या फिर जब अभियान में जब वो जाते हैं तो उनको ये बताना है कि सरकार ने क्या काम किए हैं, योगी सरकार ने क्या काम किए, केंद्र सरकार ने क्या काम किए, लेकिन ये अपनी बात को मैं में नहीं कहना है। और इस तरीके के कई ऐसे जो है जेपी नड्डा जी की क्लास में कई ऐसे लेसन जो है वो पाठ पढ़ाए गए हैं मंत्रियों को। साफ तौर पर मंत्रियों से कहा गया है कि जिलों में प्रवास करना शुरू करें, साथ ही ये भी सुनिश्चित करें अगर विभाग उनका नहीं है और किसी दूसरे विभाग की समस्या उनके संज्ञान में आती है तो संबंधित मंत्रियों को बताएं। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो पूरा आज बैठकों का दौर है तो कहीं ना कहीं जो एजेंडा है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि चाहे आगामी पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 के चुनाव हो, एक लंबा खाका तैयार करा जाना है और उसी के अनुरूप ट्रेनिंग दी जानी है, मूल मंत्र बताए जाने हैं कि किस तरीके से इस पर क्रियान्वयन किया जाना है। और साथ ही यह कहा गया है कि संगठन में अपने लोगों को पद दिलाने के लिए कोई भी मंत्री, कोई भी कार्यकर्ता पैरवी। बिल्कुल, तो आज भी बैठकों के जरिए कई तरीके के टिप्स दिए जा सकते हैं नेताओं को। आप बने रहिएगा, संकल्प लौटेंगे आपके पास।